आपको पता ही है हम सुबह सुबह रोज़ अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हैं इस टेम्पल पर। तो मैं ना एक बारी यहाँ पर आया था एक दिन, तो मैंने क्या देखा गाइस, मैंने सुबह सुबह जब आया था अंधेरा था। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली पहुंच गए गाइस महादेव टेम्पल। सो गाइस फाइनली आ गए थे मंदिर से हम घर, एंड चाइना से हमारा हो गया था। वैसे गाइस अभी बच गए फिलहाल 10 में, अब तक पैकिंग वगैरह कर रखा एंड थोड़ा एडिटिंग किया, तो उसी में टाइम हो गया हमारा। आज जाना है हमें गाँव, बिकॉज जॉब जाना है हमें, तो जॉब का टाइम हो गया जाने का और बस का भी हमारा टाइम हो गया है। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से ऑटो पकड़ के बस स्टैंड, एंड फिर वहाँ से जाएंगे हमेशा की तरह बस। तो नानी को कह देते बाय। नानी क्या कर रहे हो, माखन बना रहे हो? अच्छा, घी निकाला है ना, घी बनाओ। तो गाइस नानी तो बना रहे मस्त माखन। चलो नानी बाय बाय, जीते फिर मैं जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। चलते गाइस फिलहाल एक्टिवा लेकर ही जाना है, मम्मी आ रही है हमें छोड़ने, तो चलते हैं इसको फटाफट। धूप हो रही है, रोटी डाल रही है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए थे, चलते हैं, चलो बाय बाय मम्मी, मिलते फिर। ओम नमः शिवाय। बस खड़ी है और सभी लोग बैठ गए, वैसे जगह मिले तो अच्छा है वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, मुझे नहीं लगती जगह। तो गाइस फिर से खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। हाँ चलते हैं, जब तक पहुँचे नहीं तब तक थोड़ा सिनेमैटिक चेक करेगा। ओके सो फाइनली पहुंच गए थे गाइस घर हमारे, एंड दादी क्या कर रहा है भाई? दादी तो गेहूं साफ कर रहा है। कड़ी हां, कड़ी का ओके। तो दादी नमस्ते, गर्मा गर्म खाना हमारा बना दिया है। तो आज बना गया दादी ने गवार की सब्जी है, आम का रस है और रोटी गर्मा गर्म घी वाली। तो खाए थे मस्त खाना दादी, गर्मा गर्म रोटी बना कर दे रहे हमेशा की तरह। गाइस खाना खाया था मस्त, एंड अब चलते हैं अपनी इंडिया लेकर, जेड एक्सटर्नल लेकर फाइनली जॉब। मस्त धूप है ना, मक्खन गर्मी है गाइस, मक्खन गर्मी। सो गाइस फाइनली आ गए थे हम जॉब से घर, एंड कंटिन्यू कर रहे फाइनली हमारा ब्लॉग शाम के टाइम पे। एंड ये चेक कर गाइस धूप अभी क्या मस्त हो रखी है। अभी भी गाइस साढ़े मतलब 6 बजने वाले और फिर भी धूप इतनी भयंकर गाइस लग रही है, बहुत ही धूप है एंड गर्मी भी इतनी है भाई। धूप होगी तो गर्मी तो होगी भाई। इस वाला जो मतलब गर्मियों का सीज़न है वो बहुत ही भयंकर है गाइस, एसी के बिना तो रह ही नहीं सकते, उतना भयंकर है। धूप में गाइस कहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा, बिकॉज 6 बजे भी इतनी धूप है। मैं वेट कर रहा हूँ कब थोड़ी धूप कम हो और हम निकले बाइक लेके भाई, भयंकर गर्मी। थोड़ी बहुत धूप गाइस कम हो गई है अभी फिलहाल, एंड हम लोग चल रहे हैं हमारी हेयर एक्सटेंडर लेकर बाहर कहीं। इसको चलते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं आज का, लेट्स गो गाइस। हेयर एक्सटेंडर देखा, साउंड चेक पे आप। हेलो बछड़े, ओम नमः शिवाय। थोड़ी है धूप बट चले गए। तो फाइनली पहुंच गए कांजी कुंजी के घर। गाइस मैं आ गया था काना के घर, बट कांजी कुंजी तो है नहीं, बाहर गया हुआ है नाथ भाई और मतलब
मामा भांजा दोनों बाहर गए हुए हैं, भाई और दोनों। तो हम चलते हैं, देखते हैं कंटेंट तो कुछ बनाना पड़ेगा यार। ओके सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे अभी वावेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ से ये चेक करो, सनसेट काफ़ी मस्त आ रहा है व्यू वैसे तो। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। जय शिव शंभु। तो गाइस, यहाँ तो वैसे अकेले मैं बोर होने वाला हूँ, और ये जगह आपने कितनी बार देखी हुई है, फिर भी मैं यहाँ आ गया हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव टेम्पल आ गए हैं तो दर्शन तो कर लेते पहले महादेव के। जय भोलानाथ महादेव, जय भोले। फाइनली चंदा मामा आ गए। ओम नमः शिवाय। गाइज, ये मंदिर आप देख रहे हो, भीमनाथ महादेव टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। ये मंदिर भीम ने मतलब क्रिएट किया था, हाँ, जो पहले के समय का बहुत ही साल पहले भीम ने बनाया था ये टेम्पल, और भीम यहाँ पर पूजा करता था। तो भीम और बाकी पांडव गाइज घूमते घूमते यहाँ पर आए थे, तो भीम यहाँ पर पूजा करता था महादेव टेम्पल, यानी यहाँ पर कुंड में नहाते थे। गाइज, मैं ना आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये है भीमनाथ महादेव टेम्पल, आपको पता ही है गाइज, एंड ये काफ़ी पुराना, ये चेक करो, पुरानी कुछ प्रतिमाएं हैं जो शायद भीम ने क्रिएट की होगी या पता नहीं, बट काफ़ी पुराना टेम्पल है ये भीमनाथ महादेव टेम्पल। ये है भैरवनाथ महादेव टेम्पल, एंड आगे भी एक टेम्पल है महाकाली माता का, एंड हम रोज जाते हैं सुबह, वो उस वाली जगह पर है भूतनाथ महादेव टेम्पल। तो हाँ, चार टेम्पल है यहाँ पर। और गाइज, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात एक बताना चाहता था कब से, वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी कि गाइज, आपको पता ही है हम सुबह सुबह रोज़ अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आते हैं इस टेम्पल पर। तो मैं ना एक बार ही यहाँ पर आया था एक दिन, तो मैंने क्या देखा गाइज, मैंने सुबह सुबह जब आया था अंधेरा था, थोड़ा बहुत उजाला हुआ था, बट मैंने सुबह सुबह गाइज वहाँ चेक करो, वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हो ना, ऐसा कुछ देखा था। और आसपास ना गाइज बहुत सारे बोर्ड्स थे, तो मैं यहाँ पर देखने को आया, लिटरली गाइज मैं यहाँ पर देखने को आया। मैं वहाँ से खड़े खड़े देख रहा था भीमनाथ महादेव टेम्पल से, और मैं चल के यहाँ तक आया तो देखा, तो वो आदमी धीरे धीरे अंदर जा रहा था। पता नहीं वो क्या होगा गाइज, सुबह सुबह मैं आया था करीबन गाइज 5:30 होंगे, तो ऐसा सब सीन सुन था वैसे, पता नहीं वो क्या था। तो यही थी एक बात जो मुझे बतानी थी आपको। वैसे पानी गाइज काफ़ी कम हो गया है, ये चेक करो, मछली भी नहीं है इसमें। तो आपको पता ही है गाइज, हम उस बार ही आए थे तो मछली को खाना डाल रहे थे, तो मछली एक भी मछली खाने नहीं आ रही भाई ना गाइज। ये तालाब पूरा सूख चुका था, आपको पता ही है, 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें भर गया वापस, तो सूख गया होगा, तो मछली भी सारी मर गई होंगी बेचारी, तो इसीलिए खाली है तालाब, कछुए है बट। ओके तो गाइज चलते फिलहाल, लेट्स गो। बज गए, मम्मी और बहन वो निकले थे एक्टिवा लेकर, वो शायद घर पहुंच गए होंगे, तो चलते हैं मिलते हैं। जय श्री माँ काली माँ। आरती भी स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो गाइस आरती में जाग कर ही आता है। Thank you.
गाइस फाइनली आ गए थे मंदिर से मस्त घर एंड मम्मी भी आ गई थी फाइनली। थकी नहीं आप? किसको बोले थक? मम्मी तो ऐसी होती है आप जानते हो गाइस, कितनी भी थकी हो बट अपना काम तो करना तो पड़ता ही है ना, करना ही पड़ेगा ना। किसको बोले? मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मम्मी को जल्दी है गाइस। मम्मी कब से कह रही है कि भाई पक्का कर जाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी मम्मी, थोड़ा सा तो जीने दो अब। तुम्हारा क्या? अरे काम वाली रख देते हैं। अभी तो ढेर सारे सपने जो पूरे करने हैं, अभी मेरा करियर मुझे सेट करना है। आई होप मम्मी ये समझे तुम्हारी बातें, बात ही बड़ी बड़ी। बट गाइज अभी 9 बज गए। तो क्या करें, भजन करें क्या? वैसे आज लेट हो गया थोड़ा सा, मार से ना गोलियों की पोछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवर बिगाड़ के। तो गाइज आज बनाए परवर की सब्जी एंड खिचड़ी है और पापड़ी, कुछ ज्यादा ही हो गया, पता नहीं मैं क्या भूल गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।